फाइनली फैज में ना अच्छी है ना डिजाइन बहुत अच्छा है। दे निकालो जरा भाई। अरे भाई ये देख रहे हो ये गाड़ी और ये फाइनली भाई अपना रेट भी जाले वाले लगे हुए हैं। ये जाली जाने नहीं देती और इस पाइप को इसको ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई अपने बोखर दान से अपने हफीज भाई के पास से। और देख रहे हो जिस बंदे का नाम लिया ना वो पीछे आ ही गया और जिस बंदे का नाम लिया ना वो आ ही गया। अल्लाह लंबी उम्र करे मेरे भाई की। और यहाँ फाइनली अपने तवेरा आ चुकी है भाई। ये वाली तवेरा चलेगी अपने कश्मीर में काले शीशे इंशाल्लाह। देखना यार यहाँ थोड़ा पाऊंगा। तो गाइज आ गए अपने हफीज़ भाई भी सुबह सुबह और भाई को यहीं भेज दिया। सुबह सुबह अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हो गया क्योंकि रेडिएटर वगैरह हमने साफ़ नहीं करवाया। 3 साल हो गए गाड़ी को पूरे और रेडिएटर अभी तक नहीं खुलवाया। मतलब गाड़ी में हीट वगैरह आती थी ना अंदर गाड़ी हीट वगैरह छोड़ती थी। मीटर वगैरह तो गाड़ी ने कभी उठाई नहीं हीट वगैरह छोड़ती थी। वो वाली समस्या भी आज हल कर देते हैं क्योंकि भाई मेरे पे जाएंगे ना तो उस पर फिर रुकना नहीं पड़ेगा कंटिन्यू चलना पड़ेगा। हाँ जी आराम से पकड़वाओ। एक दो नहीं एक बिल्टी एक एक बेटा नहीं लिखने पे फेंक नहीं मंडी के वास्ते। देख रहे भाई जान भी होनी चाहिए काम के लिए। आ जाओ ये ले। गाइस वहाँ चेक कर रहे हो भाई कूलेंट वगैरह निकल रहा है। अब देखते हैं अपनी गाड़ी में कूलेंट था ही या नहीं क्योंकि भाई अभी तक तो पानी मैंने डाला ही नहीं। लाइफ में एक ही बार डाला और उसमें ना गाड़ी में जंग वगैरह लग गया था फिर दोबारा से मैंने डाला था कूलेंट। क्या खोलना क्या लर वो लर खोलेंगे ना इधर पाँव की तरफ देखना पाँव की तरफ बाकी छोड़ खोल दे लर नीचे देख के चल। सलमान बोलो यहाँ देख रहे हो ये तो गैस जो जो छोटे बच्चे आ रहे हैं ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं गाड़ी लाइन में। हाफिज भाई जो जो छोटे बच्चे आ रहे हैं ना ऐसे गाड़ी लाइन में मैं बोल रहा हूँ गाड़ी सीखने से बेहतर ये वाला काम सीख ले कसम से। और यहाँ भी देख रहे हो जो ये काम कर रहा है ना इसके मुंह पे देख रहे हो दाढ़ी का बाल भी नहीं है। स्कूल जाके काम सीख रहा हूँ। स्कूल भी जाता है? हाँ स्कूल भी जाता है। चल अच्छी बात है भाई दूर तक जाएगा लेकिन ये गाड़ी वाला काम मत सीखना। जैसे ये भाई साहब ऐसे गाड़ी चलानी है और मिर्च की मंडी करनी है। हाफिज भाई मिर्च की मंडी करनी है। बंगाल ले आ रहा है वो गाड़ी बॉर्डर में। बंगाल जा रहे हो? तो फाइनली अपना रेडिएटर खुलने वाला है भाई। रेडिएटर खुल जाए ना फिर देखेंगे ये बंद था या कैसे क्या सीन था। तो एम पे चल रहा है। तो गाइस अपनी गाड़ी को 3 साल हो गए और हाफिज भाई क्या बोल रहे हैं आप? चली 3 साल में 1.5 लाख ईच। 1.5 लाख ही चली भाई अपनी गाड़ी ना 1.5 लाख सिर्फ आप खुद ही चलाई। और भाई यहाँ पाइप खुल चुकी है अब दिखा देते आपको। ठीक है भाई वो बीच में ओहो हो जंग लगा है यहाँ देख रहे भाई पूरा मट्टी देखो मट्टी है पूरी। तो प्लीज़ भाई मेरी तरह का अपनी गाड़ी मत रखना क्योंकि गाड़ी की हर चीज़ कराओ ना। और ये वाली चीज़ देख रहे हो कितनी बंद है। इमरान देख ये निकालो जरा भाई। अरे भाई ये देख रहे हो ये गाड़ी से क्या निकला। सबसे ज़्यादा जाम दिख रहा है इनका क्या सबसे ज़्यादा तुम हमारे गाड़ी से ज़्यादा जाम है। ये कश्मीरी मट्टी है। कहाँ की है? ये कश्मीरी मट्टी है। ये इधर ही रखो कश्मीर की मट्टी भाई देख रहे हो कश्मीरी मट्टी मास्टर है। ये एक्चुअली मैंने कभी जिंदगी में ना ये 3 साल हो गया अब सोच रहा था साफ करूंगा। मैंने गैराज में वालों को भी बोला उन्होंने बोला ठीक है ऐसे करो खोल के जो करने में वो सही है ना ऐसे नहीं। भाई देख रहे हो ये बुरा हो गया मिट्टी का ये हालत थी भाई अपनी गाड़ी की। तभी मैं सोच रहा हूँ यार मेरी गाड़ी हीट क्यों छोड़ रही है क्यों छोड़ रही है। वो रास्ते में मैं कहीं करवा लेता लेकिन मुझे पता था अपने गैराज में अपने भाई के पास जाएंगे तो आराम से वहाँ काम हो जाएगा। ठीक है बस और ये फाइनली भाई अपना रेडिएटर खुल चुका है। इधर मोड़ो भाई इधर मुझे भी इधर ले लो। ओए होए होए तवेरा के पास तवेरा में रख दे पीछे। और यहाँ अपनी तवेरा तवेरा में रखेंगे फिर जाएंगे गैराज में खाली करेंगे। बाकी तो नहीं कुछ खाली करना पड़ा ये खुलना है मेन ये वेंटिकुलर है। ओए होए यहाँ देख रहे हो गाड़ी को ठंडी करता ये देख रहे हो यहाँ भी जाले वाले लगे हुए हैं। ये जाली जाने नहीं देती और इस पाइप को इसको
ये भी धो के लाएंगे, ये भी धो के लाएंगे। और इसमें क्या जाता है इसमें? ये हवा, हवा वो हवा का है, वो एंटी कूलर बोलते हैं। ये वाली चीज भी खुल चुकी है, अब इसको भी खोल के साफ करके लाएंगे। चूने वो लगाते ना पान में कत्था। हाँ ये देखो ना क्या गया। ओहो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि हाफिज भाई मुझे भरोसा था नहीं साफ होगी, क्या पता वो खराब होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये खराब निकली भाई। चलो इतना रब का शुक्र है कि ये आपके बहाने आता हूँ तो सब काम यहाँ हो जाता है। ये वाला डब्बा खुल चुका है भाई, देख रहे हो, इसे कूलेंट इसमें रखना पड़ता है। और इधर से दिखाओ जरा। ओहो ये भी पान का गत्ता लग रहा है। क्या पान में गत्ता नहीं लगा रहा है? ऐसा लग रहा है कोई पान खा खा के थूकता रहा है यहाँ बीच में। इसको कैसे साफ करेंगे? छोटू तो नहीं थूका, लिक्विड डालेंगे सर्विसिंग के प्रेशर से मारेंगे। प्रेशर से मारेंगे ना, वो कोई केमिकल आता ना उससे वो होता है। केमिकल से ठीक से फूलेगा फिर वो। छोटू तेरे पान तिखा कर तो नहीं थूका। हेलो आपने ये रेडिएटर की क्या हालत की है? छोड़ दो दे दे। क्या किया ये? ऐसे चलाते क्या? ऐसे चलाते हैं गाड़ी? शर्म नहीं आती? मैंने चलाया ही नहीं। चलाता ना तेने, तेने चलाया इसलिए तो काला काला हुआ है। छोटे के लिए हमने शरबत निकाल के रख दिया और यहाँ रहा छोटे के लिए शरबत, देख रहे हो? और दो में ये चलेगा दोबारा से, यहाँ डालेंगे ना। हाँ भाई यहाँ देख रहे हो कूलेंट, ये वाला कूलेंट ना खराब है। चलो शुक्र कूलेंट निकला, नहीं तो हाफिज भाई छोड़ते नहीं, बोलते ये पानी डाल के चला रहा है क्या। बस रह गया भाई ये वाला खोलेंगे। और यहाँ देख रहे हो इसमें भी देख रहे हो कितना गंदा है भाई, देख रहे हो। वैसे गाड़ी को साफ रखना चाहिए ठीक है। और आपने ये क्या किया? परेशान हो गए। तो कैसे चलो पहले रेडिएटर वगैरह खुल जाए फिर अपनी तवेरा में रखते हैं और चलते हैं सीधा शॉप पे, वहाँ इसको साफ वगैरह करेंगे, फिर पोजीशन देखेंगे भाई अंदर की क्या पोजीशन है। उसको खोलना पड़ेगा पूरा उसको रेडिएटर को। तो भाई गाइस ये खोल दिया इन्होंने पूरा, हाफिज भाई ने ये सबसे बड़ा रेडिएटर भी खोल दिया। तो भाई इसका स्पीकर जाम हो चुका है और फाइनली अपना रेडिएटर वगैरह खुल चुका है भाई। चलो दिखा देते हैं आपको पूरा रेडिएटर। अच्छा ये पाइपें वाइपें यहीं छोड़नी पड़ेंगी? कुछ काम नहीं लगा, साथ ले चलते हैं ना फिर। नहीं देते भाई, ये होता है फैन, ये चलता है ना, ये गाड़ी को ठंडा रखता है, यही है ना भाई। देख रहे हो यहाँ पे, सोचा नहीं था अपनी गाड़ी का ये हाल होगा। हाफिज भाई क्या कर दिया ये? क्या कर दिया ये? तो गाइस पेशेंट लेके हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ देख रहे हो पेशेंट यहाँ रखा हुआ है सेंटर में ठीक है। सारा सारा खोल के रखा, बाकी पीछे देख रहे हो। आज मेरा भाई यहाँ ना नहीं ना होता तो फिर मुझे कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता। और यहाँ देख रहे हो कीचड़ ही कीचड़, ऊपर से गाड़ियाँ बहुत ज्यादा है और गाड़ियाँ मैक्सिमम हाफिज भाई मेवात की है ना सारी। तो वहाँ देख रहे हो भाई, और वहाँ ड्राइवर कितने इकट्ठे हैं वहाँ देख रहे हो बहुत सारे। और यहाँ से जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर। आप मेरी वजह से ना आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है। वो है लेकिन भाई अपना टाइम भी वेस्ट नहीं ना होना चाहिए भाई, दोस्त है। साल में एक बार भी टाइम निकाले तो बहुत होगा। हाँ वो तो है, लेकिन जो प्रॉमिस किए पिछले साल भी वो सारे मैं अभी डालूंगा ना। वो भी राजा भाई कश्मीर आएंगे ना, कश्मीर आएंगे ना, अब तो सीजन आ गया। अब अगर एक बार ना हो तो घसीट के ले जाऊंगा गाड़ी के पीछे रस्से से बांध के डालेंगे ऊपर। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं बोकरदान सिटी में और वहाँ देख रहे हो घोड़ा चौक, पता नहीं क्या नाम है यार, शिवाजी चौक, शिवाजी चौक में पहुंच चुके हैं। अपनी तवेरा वहाँ पे पार्क कर ले भाई और यहाँ आके भाई जी के पास रेडिएटर वगैरह ले आ रहे हो। गाइस देख रहे हो यहाँ रेडिएटर से क्या निकल रहा है, देख रहे हो। उस्ताद जी क्या हाल है, आप ठीक हो? बढ़िया। ये रहे अपने उस्ताद जी, ये करेंगे अपना रेडिएटर साफ, देखते हैं आज रेडिएटर में कितनी पावर आती है। आपके चर्चे बड़े सुने कि आप रेडिएटर का एक नंबर काम करते हो, मैंने बोला चलो यार आज जे एंड के आप जम्मू कश्मीर वाला आके यहाँ से रेडिएटर साफ करवाएगा ठीक है। चाय की लेंगे ना? कोई बात नहीं भाई, चाय पियेंगे पियेंगे। आप रेडिएटर साफ करने से पहले बोला चाय पीते हैं और खुद का पेट साफ कर लेते हो। और यहाँ देख रहे हो चाचू खड़े चाय वाले। कहाँ जाएंगे? तो भाई चलो पहले चाय वगैरह पी लेते हैं। तो भाई यहाँ खुल रहा है अपना रेडिएटर, बस ये खोल के देखेंगे इसके अंदर कितना गंद वंद है कुछ। ओ, 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 भाई देख रहे हो ये हालत, इधर देखो इधर, मुझे रब कभी माफ़ नहीं करेगा, मैंने अपनी गाड़ी के साथ ये हालत हो रही। यहाँ देख रहे हो भाई ये वाली चीज़, कश्मीरी पानी, कश्मीर का पानी भाई देख रहे हो इस कैसे जंग पकड़ के साथ। अच्छा ये भी खुलेगा ऊपर से अभी? नहीं जस्ट
चले हम तो गाइस चलो चलते हैं हम, क्योंकि दो घंटे लगेंगे उससे पहले सीधा चलते हैं अपने गैराज में। चलेंगे अब अपने गैराज में चलते हैं भाई, वहाँ भाई से करते हैं बातें बातें और अपना ब्लॉग मेरा एडिट भी हो जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता भी अगर बाहर आके ना और खास करके मिर्च लोड करके ना ब्लॉग करने का टाइम मिलेगा ज़रूर, लेकिन एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं सीधा अपने गैराज में और यहाँ आगे अपने चाचू ने मुबारक है नई गाड़ी की, हफीज़ भाई के चाचू है उन्होंने नई गाड़ी ली, देख रहे हो अगर राही भाई देख रहा है, राही भाई देख रहे हो हमारी महाराष्ट्र में भी पिकअप है, मुबारक है, अल्लाह आपको सलामत रखे और कामयाबी दे। वैसे क्या काम करोगे इस पे? बकरे वो बकरा गाड़ी, बकरा गाड़ी बनानी है, बकरा बनानी। क्या बात है, आज तो इन्होंने अच्छी कर दी इसकी शो वगैरह भी, क्या बात है। इसमें ना एक चीज वो करो, एक मैटिंग आती है यहाँ से नीचे भी वो डाल दो पूरी, पानी भी जाएगा फिर टेंशन नहीं है। चलो माशाल्लाह नई गाड़ी आ गई। अरे इसमें तो उसने उन्होंने वो एलईडी वाला, उनको पता चल गया कंपनी वालों का एलईडी के अलावा कोई रहता नहीं। थार का दे जाना इसको, थार का। अच्छा ये इसका टेढ़ा ही आता है ऐसे। चलो भाई फाइन नहीं फैज में ना नहीं। अच्छी है ना डिजाइन, बहुत अच्छा है। गिलास दे दे हवा आने के वास्ते। क्या बात, पीछे बकरे की आवाज सुन रहा क्या? हां बकरे की आवाज सुन रहा है। चलो भाई हम चेक करते हैं भाई की गाड़ी को फिर देखेंगे मीटर, ये 80 पे ही जाती है ये दरवाजा खुला है। क्या बात है, आज ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो राही भाई अगर देख रहा है ना, मेरा एक भाई है उसके पास भी है, ये 3-4 हैं जानते हो ना राही को, अगर राही भाई देख रहा है, देख रहे मेरी गाड़ी इधर आ गई है, मैंने यहाँ ले लिया गाड़ी, ठीक है। तो चलो भाई चक्कर मार रहे चलते हैं यहाँ से, आते हम घूम के गाँव में। कहाँ जाएंगे? चलो ना गाँव में, उधर ही जहाँ गाड़ी अपनी लगी है। नहीं नहीं जाएंगे ना गाँव में अपनी। चलो जी, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला, नई गाड़ी चला रहा हूँ वो भी चेसिस, अपनी भी जब ली थी ना तब मैंने नहीं चलाई थी, मेरा दोस्त है उसने चलाई थी। तो भाई पहुंच चुके हैं फाइनली हम हफीज भाई की शॉप पे और यहाँ देख रहे हो ये दूसरे वाला गैरेज, सबसे पहले इनका गैरेज यहाँ पे था, ये यहाँ काम करते थे, आज भी छोटे भाई काम कर रहे हैं ये वाले, आप कमेंट करके बोलना ये बंदा बड़ा है या वो वाला। तो यहाँ रही भाई की पूरी फैमिली, पूरी फैमिली में, और मुझे अच्छा लगता है देखो अपना दोस्त है ना, दोस्त की पूरी फैमिली से मिलता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मतलब यहाँ बोकरदान ऐसी जगह है जहाँ मैं आता हूँ ना मुझे ऐसा फील होता है कसम से जैसे मैं अपने घर में हूँ, तभी मैं यहाँ दूसरी तीसरी बार आया हूँ। तो चलो अब यही लगेगा कि हम एक दो महीना इधर ही चलेंगे और अपने भाइयों के साथ बैठे उठेंगे और गाइस यहाँ का माहौल भी जानेंगे, ये वाला मतलब माहौल और अपने कश्मीर का माहौल कैसा है। तो चलो मुझे अच्छा लगा यहाँ से मिलकर भी, यहाँ देख रहे हो भाई की ये वाली शॉप है, उसके बाद दूसरी शॉप भी दिखा देते हैं यहाँ, ये वाली भाई की रेडियम की शॉप, अपनी भी कोई मॉडिफिकेशन है जम्मू में आप लोगों को पता भी है, नंबर प्लेट वगैरह यहीं बनाते हो आप? ये सब पार्टी वगैरह चल जाती है यहाँ पर? देखिए नंबर प्लेट वगैरह कितनी प्यारी बनाई है, चलो बनाएंगे हम भी इसमें लाइट वाइट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हो ये रही बाइक की शॉप, मतलब गाड़ियों का सारा काम ही रखा हुआ है इन्होंने, अच्छी बात है जो गाड़ियों का काम करवाओ अपने घर से ही हो जाए, बाहर से करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ रहे अपने भाई सारे, तो गाइस आ चुके हैं भाई अपने भाई के साथ वापस ही अपने वर्कशॉप में और यहाँ देख रहे हो अपने भाई लोग अपने साथ साथ, भाई बोकरदान से ना बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, और यहाँ देख रहे हो टाटा गाड़ी का काम हो रहा है, मेरी गाड़ी का रेडिएटर खोल के यहाँ लगे हो आप, देख रहे हो भाई ये बंदा ना सुबह मेरी गाड़ी का रेडिएटर इसी भाई ने खोला था, और यहाँ देख रहे हो गाड़ी का काम चल रहा है, क्या कर रहे हो चके चके तो कभी अपने इधर के निसार भाई गाड़ी के चक्के यहीं करवाएं क्या? हाँ यहीं कर रहे हैं, यहीं करवाएं सलमान भाई के पास। हाँ सलमान भाई के पास क्या आप गाड़ी लेके आगे? हाँ ये मेरी गाड़ी हर जगह घूम रही है भाई देख रहे हो। तो चलो पहले यहाँ चलते हैं भाई, बैठते हैं अपने भाइयों के साथ चाय वगैरह, अपने चाचू के साथ चाय वगैरह पीते हैं। तो कब आना है कश्मीर? ये अगले हफ्ते, ये बोल रहे हैं अभी भाई, ये कैमरे में बोलते हैं, और निसार भाई ने पिछली बार भी बोला था, और ये बंदा है ना, इस बंदे ने मुझे कितनी बार बोला राजा भाई कश्मीर आना है कश्मीर आना है, लेकिन कश्मीर आए नहीं भाई, पता नहीं यार कश्मीर नाम से डरते हैं या कश्मीर आने से डरते हैं क्या है। नहीं मैं जा रहा ना अगले हफ्ते जा रहा भाई, प्रॉमिस प्रॉमिस। ठीक है अगर मैं यहाँ ही हुआ ना तो भी आपको वहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस चलो यार पहले पानी, और सबसे ये क्या लगा हाफिज़ भाई? अरे भाई ये क्या चीज़ है, क्या बात है भाई, देखो यहाँ पानी निकलता है इसमें यार।
क्या बात अच्छी लगी। तो चलो चाय वगैरह भी लेते हो। तो गाइस करते हैं इस प्यारे से ब्लॉग को एंड, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको अपनी गाड़ी के साथ क्या हुआ, क्या किया भाई और कहाँ लोडिंग की। तो अभी तक जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया और गाइस ऐसे ही प्यार साथे रहो, तो मिलते हैं साथ साथ कंटिन्यू ब्लॉग में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अरे बोलना कुछ मिर्ची के बारे में। राजा भाई भोकरदन में बैठे हैं, हफीज भाई के बाजू, उनके बाजू रिजवान भाई बैठे हैं, उनके बाजू हमारे निसार भाई है, जो रात के 12 बजे के बाद उनको दिखता नहीं है। हमारे जूतों के सरदार पठान साहब मजा ले रहे यार, ये झूठो के सरदार है हमारे। कौन है ये झूठो के सरदार है? ये मेरे दोस्त के लिए नहीं कुछ बोल रहा है। ये शकील भाई है, ये फयाज भाई है जो नदीम भाई को सताते रहते हैं। नदीम और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।